फकिंग गुस्सा था, ये कौन सा तरीका है हराने का यार, एक विकेट तो दो। जब सुबह होगी आपके हाथों में चाय होगी तब तक साउथ अफ्रीका कहेगा कि हम पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में और आप कौन आए। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 में बहुत से अपसेट देखने को मिल चुके हैं, जैसे पाकिस्तानी टीम का कोई चांस नहीं था लेकिन फिर भी चलते चलते वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, लेकिन टीम इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों बुरी तरह से जलील हो चुकी है। तो चलिए आज आपको इंडिया के हारने के बाद शायकीन के रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जैसे कि टीम इंडिया 10 विकेटों से शिकस्त खाने के बाद पूरी ही दुनिया में बुरी तरह से बेइज्जत हो चुकी है, तो इसी के चलते सबसे पहले आपको इस लड़के का रिएक्शन दिखाएंगे जो स्पोर्ट तो पाकिस्तान की कर रहा है लेकिन इसे भारतीय टीम के हारने का दुख भी अपनी जगह पे है। इंडियन हमारे हमसाए हैं, आज उन पे मुश्किल का टाइम है तो हमारा हक बनता है कि हम उनका साथ, क्योंकि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाए। मेरी तरफों भावे सजन मार जाए, भावे ऐसी पॉइंट ना आ जाए, लेकिन जो अच्छा ना लगे ना अल्लाह किसी ना इसी तरह इंडिया के मैच से पहले इनका मीडिया पाकिस्तान को बुरी तरह से तंजिया बातें करने में लगा था, लेकिन जैसे ही इंडिया को इतने गंदे तरीके से हारना पड़ा तो ये इंडिया का यही मीडिया अपनी टीम के हारने पे रोना धोना शुरू हो जाता है। गेम है, कभी कोई जीता कभी कोई हारता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती, ये क्रिकेट नहीं था, ये कोई जाती दुश्मनी थी, ये कोई जाती गुस्सा था, ये कौन सा तरीका है हराने का यार, एक विकेट तो दो। दोस्तों अब जैसे कि इतना मजा हमें पाकिस्तान के जीतने का नहीं आता जितना हमें इंडिया के हारने का आता है, जैसे ये स्टेडियम का मंजर ही देख लें जहां पे इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल हो रहा था और इस मैच में इंडिया को हारते हुए देख के एक पाकिस्तानी बंदे की खुशी की इंतहा चेक कर लें। अगली वीडियो में तो ये लोग हद ही पार कर देते हैं, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का मैच देखने पाकिस्तानी लोग भी आए हुए थे और मैच के दौरान इंडिया को हारते हुए देख के पाकिस्तानी लोग इंडिया के लोगों को छेड़ने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये लोग आपस में लड़ने भी लग जाएंगे। दोस्तों इसी तरह इंडिया के हारने का मंजर हो या फिर पाकिस्तान के हारने का, ये मोमिन साकिब हमें इंटरटेन करने से पीछे नहीं रहते। इंडिया के हारने पे इनका मजाहिया रिएक्शन भी जरा देख लें। दोस्तों इंडिया को बुरी तरह से आग लगाने वाली हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ की ये ट्वीट सच में बहुत कमाल की थी। दोस्तों अब जैसे कि हार जीत गेम का हिस्सा हुआ करती है, लेकिन इंडियन कप्तान रोहित शर्मा की ये हालत देखते हुए आपको भी तरस आ जाएगा। अगली वीडियो में इंडियन मीडिया अपनी टीम को शर्म दिलाना शुरू हो गए हैं और दूसरी बार इतना बुरा हारने के बाद टीम इंडिया को वाकई कुछ शर्म लेनी चाहिए। आती है शर्म? नहीं आती ना तो आनी चाहिए। दुख होता है? नहीं होता ना तो होना चाहिए। कर लो दुख, कर लो थोड़ा शर्म, क्योंकि भारत एक बार फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। भारतीयों के लिए एक बार फिर ताली बजा देता हूं।
तो खत्म हो गया सपना वर्ल्ड कप जीतने का, 15 साल का इंतजार, इस बार हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, ये हमारा वर्ल्ड कप है। दोस्तों जब दुनिया के सामने टीवी पे बैठ के आपको अपनी मुखालिफ टीम की तारीफ करनी पड़े तो दिल चूर चूर हो जाया करता है, जैसे यही लोग देख लें जिनको इंडिया के हारने के बाद ये सब कहना पड़ रहा है। खुश तो होना बनता है आज तो मतलब पाकिस्तान इस रात को भुला नहीं पाएगी, अरसे बाद वो फाइनल खेलेंगे अफगानिस्तान, 5 सालों के बाद 2017 का जो फाइनल खेला चैंपियंस ट्रॉफी भारत के, 5 साल के बाद फाइनल खेलेंगे, इंडिया ने भी वहाँ खेला उसके बाद से फाइनल। इसी किसी तरह अपनी टीम की हार का बदला लेने के लिए अब सारे इंडियन लोगों को ऐसे ही नारे मारने चाहिए जैसे इरफान पठान मार रहे हैं। दोस्तों अब जैसे कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के हारने पे ऐसे मजाक उड़ाते थे तो ऐसे में नतीजे भी ऐसे ही निकला करते हैं, और फिर उल्टा इनके मीडिया के लोगों को ऐसे ही गुस्सा आएगा जैसे ये बेचारा बंदा रोने धोने पे इंतहा ही कर देता है। टीम में ये नेशनल टीम नहीं है, बताइए जिसमें पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं है, जो किसी अंदाज से देख नहीं आता, कभी रोहित नजीर को खिला लेते, कभी हारिस को लेकर आ गए, कभी हामिद जमाल को लिया, अरे पता नहीं कौन कौन से घंटे पकड़ के खिला देते, और ये आपके कहां गए इनके पाकिस्तान की ये स्वादेशी टोला। दोस्तों ये इंडिया का न्यूज एंकर अपनी टीम के हारने पे तबसरा कर रहा था और इसी दौरान पीछे से आने वाले ये दोनों लड़के इसकी अच्छी खासी बैंड बजा के चले जाते हैं। फिर बार बार वही बोलूंगा यार, हमारे ओपनर्स बनता नहीं था, बोलिए बोलिए बोलिए, जीतेगा जीते अगली जन्म में जीते। अगली वीडियो में टीम इंडिया हारने के बाद घर को जाने के लिए तैयारी पकड़ रही है और इनके जाने पे इंडिया के लोग भी अपने दिल को तसल्ली देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह इंडिया की आवाम को इतनी बुरी तरह हारने के बाद नरेंद्र मोदी के इस पैगाम को गौर से सुनना चाहिए। बड़े मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, क्या हुआ? मुस्कुराते आ रहे हैं तो क्यों नहीं मुस्कुराएं? नहीं कैसा लगा? इंडिया से हम मुस्कुराएंगे नहीं, कि हम नहीं मुस्कुराएंगे तो कौन मुस्कुराएगा यार? क्या हुआ? 10 विकेट की हार, तो क्या हो गया फिर? कैसे यार, दो गेम है, मौका मौका में तो 2 टीवी तोड़ दी। मौका किसने किया? मैंने किया नहीं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो दोस्तों ये थे इंग्लैंड से बुरी तरह हारने के बाद इंडिया के लिए लोगों के कुछ ऐसे रिएक्शंस जिन्हें देखकर यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। तो इन सब में से कौन सा रिएक्शन आपको सबसे ज्यादा मजे का लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अभी हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।